नमस्कार दोस्तों, मैं सॉल्यूशन मास्टर गबलू आज फिर आ गया एक नया वीडियो लेकर। तो चलिए आज देखते हैं यूएसबी का थ्रू आप अपना लैपटॉप या सिस्टम में कैसे विंडोज 7 या विंडोज 10 11 कुछ भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं। और हाँ, देखने के पहले अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे टेक्निकल रिलेटेड वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। दोस्तों मेरे पास एक 16 GB का पेन ड्राइव है जो कि मैं अभी USB पोर्ट में लगाया। इसके बाद देखिए माय कंप्यूटर ओपन करके मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए लगाने के टाइम ही ये शो हो गया जो मतलब USB लगाया करके। तो चलिए माय कंप्यूटर ओपन कर लेता हूँ। माय कंप्यूटर ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें लोड है, ठीक है। और नॉर्मल पेन ड्राइव को बूटेबल पेन ड्राइव करके कैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करोगे, तो उसका भी एक मैं वीडियो बना के ऑलरेडी रखा हूँ, जो कि ऊपर में आई बटन में आ रहा है उसमें टच करके भी आप देख सकते हैं। तो चलिए कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर लेता हूँ। रिस्टार्ट कर दिया हूँ और रिस्टार्ट करने के बाद जैसे ओपन होगा ना तो आपको F10 मारना है, ठीक है। जैसे मैं अभी मार रहा हूँ तो F10 मारने के बाद इस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, जिसमें CD-ROM, हार्ड डिस्क और सेटअप और USB पोर्ट का ऑप्शन आएगा। तो आप USB पोर्ट में ले आके एंटर मार दीजिएगा। तो जैसे ही एंटर मार दीजिएगा तो आपके क्या है USB पोर्ट से जो सिस्टम है वो लेना स्टार्ट कर देगा। तो USB पोर्ट से देखिए अभी ये विंडोज 7 का जो मतलब इंस्टॉल करने का जो पहली पेज है वो आ गया। देखिए यहाँ पे विंडोज 7 लिखा आ गया है और यहाँ पे आप नेक्स्ट दबा दीजिएगा। फिर नेक्स्ट दबाने के बाद ही आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करना, इंस्टॉल में टच कर देना। तो इंस्टॉल में जैसे आप क्लिक कर दोगे तो आपके इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए अभी आपका रैम का प्रोसेसर के ऊपर थोड़ा सा डिपेंड करता है जो आपका कितना स्लो है। मेरा उतना नहीं, मेरा i3 है और 6 GB रैम है, तो ज़्यादा फास्ट तो मेरा है नहीं। तो भी देखिए आपका कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए इस टाइप का एक इंटरफेस आ जाएगा। उसमें क्या करना, नीचे में आप एग्री करके फिर नीचे में नेक्स्ट में क्लिक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, ऊपर और नीचे। तो आपको क्या करना है, नीचे में कस्टम में करना है, ठीक है। जैसे आप कस्टम में क्लिक करोगे तो नीचे में आपको इस टाइप का पार्टीशन का ऑप्शन आएगा, मतलब आपका हार्ड डिस्क का जो पार्टीशन है वो पार्टीशन आपको दिखाई देगा। आपका पार्टीशन नहीं आएगा तो आप पार्टीशन कर लीजिएगा, और आपका पार्टीशन है तो सी ड्राइव में आप क्लिक करके, मतलब सी ड्राइव नहीं, आप जो ड्राइव में आप ऑपरेटिंग सिस्टम मारना चाहते हो तो उसमें आप क्लिक करके आपको नीचे में डिलीट और फॉर्मेट ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। तो आप फॉर्मेट कर लीजिएगा, फॉर्मेट करके ओके कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा फॉर्मेट करोगे वो जो डिवाइस है वो पूरा खाली हो जाएगा, उसके बाद लोड होगा। आप उसको फॉर्मेट नहीं करोगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, आपका पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसके ऊपर चढ़ जाएगा। तो उसमें क्या, आपका स्पेस जो पहले लिया हुआ था वो रह जाएगा, उसके बाद इसका भी स्पेस ले लेगा, तो आपका स्पेस का वहाँ पे बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो आप फॉर्मेट कर लीजिएगा, फॉर्मेट करके एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा, ठीक है। रिफ्रेश नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं, रिफ्रेश कर लीजिएगा। फिर आप जो ड्राइव में मारना चाहते हो उसी ड्राइव को सिलेक्ट करके, मतलब जो आप फॉर्मेट किया उसको आप सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, नेक्स्ट में क्लिक करना है, ठीक है। तो देखिए ये जो तीनों डिवाइस है इसमें आप गलती मत करिएगा, जिसमें मारना है उसमें ही क्लिक करिएगा, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है। तो नेक्स्ट में जैसे ही आप क्लिक कर दोगे तो आपको क्या है, जो ड्राइव आप फॉर्मेट किया उसी ड्राइव के ऊपर में आपका जो विंडोज सिस्टम है वो लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए देखें, लोड होना स्टार्ट हो गया। मैं थोड़ा स्किप कर दिया, थोड़ा सा टाइम लगता है, 20-25 मिनट लगता है, तो मैं स्किप कर दिया कि नहीं तो बहुत टाइम हो जाता। देखिए सब कुछ हो गया, स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा ना फिर रिस्टार्ट हो जाएगा, और रिस्टार्ट हो गया देखिए फिर दोबारा इस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, ठीक है। मतलब विंडोज़ ओपन होने का ऑप्शन दिखाएगा। उसके बाद आपके पास इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें आपको PC का जो आपका नेम देना है वो आप टाइप कर दीजिए। जैसे मैं टाइप कर लिया मेरा नेम, ठीक है। आप नेम जैसे टाइप कर लोगे उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे में नेक्स्ट में टाइप करना है। उसमें आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट में टच करने के बाद आपको पासवर्ड देने का ऑप्शन आएगा। आप चाहो तो इसमें पासवर्ड दे सकते हो, आप चाहो तो पासवर्ड नहीं देके नेक्स्ट करके निकल भी सकते हो, लेकिन चलो मैं तो पासवर्ड दे देता हूँ मेरा लैपटॉप में, तो मैं पासवर्ड इसमें डाल दिया। आप अपना चॉइसेबल पासवर्ड इसमें डाल दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों एक बात आपके पास, एक रिक्वेस्ट मेरे पास है, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और साथ साथ बेल आइकन को भी टच कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे टेक्निकल रिलेटेड वीडियो आपके पास लेके आते रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए
इसको फॉर्म को पूरा फिलअप करने के बाद हम नीचे में नेक्स्ट में क्लिक करते हैं। नीचे में जैसे नेक्स्ट में क्लिक करोगे तो आपके पास टाइम सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको टाइम क्या सिलेक्ट करना है, आप जहाँ पे हो, आप बांग्लादेश में हो तो बांग्लादेश का करना, आप नेपाल में हो तो नेपाल का करना, आप इंडिया में हो तो इंडिया का करना। चलो मैं इंडिया का रहने वाला हूँ तो मैं यहाँ पर चेन्नई कलकत्ता दिल्ली जो टाइमिंग है मेरा प्लस 5:30 जो टाइम है उसको सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। उसको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करके आपका वाईफाई है तो वाईफाई शो करेगा, मेरा वाईफाई है इसलिए शो कर रहा है। आपका वाईफाई नहीं है तो आप नेक्स्ट करके निकल जाएगा। जैसे मैं अभी वाईफाई को नेक्स्ट करके स्किप करके निकल गया, ठीक है। आप स्किप करके जैसे ही निकल जाओगे ना तो आपका इस टाइप का कुछ इंटरफेस आएगा और अंदर ही अंदर प्रोसेसिंग चलेगा, ठीक है। तो देखिए प्रोसेसिंग अंदर ही अंदर चल रहा है, मेरा पूरा जो लोडिंग का जो तरीका था ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो देखिए अभी ये इंटरफेस खोल गया है, जो विंडोज 7 का पूरा इंस्टॉल होने के बाद जो पेज है वो ओपन हो गया है। तो दोस्तों आपको अब पता चल गया कैसे आप विंडोज 7 इंस्टॉल कर सकते हो।